हे गाइस, वेलकम टू राकेश वीडियोस। तो रोज़ की तरह आज भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कमाल की न्यूज़। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है करण जौहर की तरफ से। करण जौहर ने यहाँ पर ट्विटर को लेफ्ट कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर कमेंट डाला है, मेकिंग स्पेस फॉर मोर पॉजिटिव एनर्जीज ओनली एंड दिस इज स्टेप वन टुवर्ड्स दैट, गुड बाई ट्विटर। तो हालांकि हो क्या रहा था कि वो ट्विटर पर कुछ भी पोस्ट डालते थे उस पर नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर ट्विटर को लेफ्ट ही कर दिया। इसके रेस्पॉन्स में KRK ने भी यहाँ पर पोस्ट की है, जो कि हमेशा टांग खींचते रहते हैं। उन्होंने लिखा है, आई वॉज सींग पीपल वर अब्यूजिंग करण जौहर बैडली ऑन हिज ईच ट्वीट एंड फाइनली ही डिलीटेड हिज ट्विटर हैंडल। आई डोंट सपोर्ट दोज पीपल हु फोर्स्ड हिम टू लीव ट्विटर बट आई नो वेल दैट ही विल कम बैक टू ट्विटर बिफोर द रिलीज ऑफ हिज नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म। तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पर संचित शौकीन यानी टेक बार की तरफ से। उन्होंने यहाँ पर लिखा है, जितने भी मेरे प्यारे भाई लोग मेरे लिए ट्विटर पर लड़ रहे होते हैं, जब मुझे कोई कुछ गलत बोलता है हाथ जोड़कर बोलूँगा थैंक यू आई लव यू, स्टिल मैं बोलूँगा क्रिटिसिज्म से आगे बड़ी ही टेक बार कम्युनिटी मत लड़ा करो, सबको हक है फीडबैक देने का। तो उन्होंने सीधा सीधा अपने सपोर्टर को बोल दिया कि भैया मेरे लिए मत लड़ा करो, तो यहाँ पर टेक कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है तो हम आगे की सोचेंगे, यहाँ आप लड़ाई झगड़ा छोड़ो और आगे की सोचो। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट आ रही है टेक्नोरवेज के बारे में। एक बैड न्यूज़ है, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंजर्ड माई नेक, सर्वाइकल वर्टिगो इशू एंड नाउ ट्राइंग माई बेस्ट टू रिकवर। तो आप फोटो में देख सकते हैं उन्होंने एक पट्टा भी पहना हुआ है, उनकी गर्दन में फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर नहीं इंजर्ड हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मनोज सारू उन पर रिप्लाई करते हैं, बोला था ना पंगा मत लिया करो, टूट गई ना, चलो अब गेट वेल सून। तो ये हमेशा इनके ट्वीट पर कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करते रहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट आ रही है जैक लकी की तरफ से। तो उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है, प्रोबेबली द मोस्ट पेनफुल थिंग आई हैव सीन इन ए वाइल, ट्विच स्ट्रीमर एड्रियाना चेचिक हैज कन्फर्म ब्रोकन हर बैक इन टू सेपरेट प्लेसेज फॉलोइंग दिस जंप एट ट्विचकॉन। तो यहाँ पर जो एड्रियाना है ये ट्विच पर लाइव रहती है, तो यहाँ पर उन्होंने एक जंप किया था, हालांकि ये एक फॉर्म वगैरह के हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बैक में इंजरीज हुई है दो जगह पर, तो जो कि काफ़ी पेनफुल है। तो आशा करते हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है, नेक्स्ट ट्वीट है अभिषेक मालान की तरफ से, यानी कि फुकरा इंसान। उन्होंने लिखा है, टोटल गेमिंग को टैग करते हुए, टोटल गेमिंग के फेस रिवील पे आई विल गिव अवे 1 lakh कैश टू द फर्स्ट पर्सन आई सी स्ट्रगलिंग ऑन रोड। तो यहाँ पर जब से ड्रीम ने फेस रिवील किया है उसके बाद से ही टोटल गेमिंग के फेस रिवील के बारे में भी बातें स्टार्ट हो गई हैं, तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई तुम भी अपना फेस रिवील कर दो यहाँ पर। इसके रेस्पॉन्स में टोटल गेमिंग का रेस्पॉन्स आता है, करते हैं प्लान। फिर अर्शल का आता है, तेरे फेस की वैल्यू बस 1 lakh नहीं 1 crore है। उसके बाद ईशान खेड़कर कमेंट करते हैं, कर दो भाई किसी गरीब का। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट आ रही है पॉपुलर यूट्यूबर लोगन पोल की तरफ से। उन्होंने NFT परचेज किया था $6,23,000 इन 2021 में, जिसकी आज के दिन वैल्यू सिर्फ रह गई है $10। तो इसलिए कहते हैं कि भैया ये जो NFT है, बिटकॉइन वगैरह है, क्रिप्टो करेंसी है, ये काफ़ी रिस्कफुल है, तो इसलिए जब भी इन्वेस्ट करो तो ज़रा सोच समझ कर इनमें किया करो। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिस्टर बीस्ट की तरफ से। तो यहाँ पर एक पोस्ट हमें देखने को मिली है जिसमें लिखा है, लास्ट नाइट मिस्टर बीस्ट हिट 1 million सब्सक्राइबर, दिस इज मिस्टर बीस्ट 16th चैनल टू हिट 1 million, दिस दैट इज 16 गोल्ड प्ले बटन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 16 चैनल है जो कि गोल्ड प्ले बटन ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, और ये मिस्टर बीस्ट का हिंदी चैनल है जो अभी हाल ही में 1 million सब्सक्राइबर अचीव हुए हैं इसके। यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से, 700 क्लब गोल्स, व्हाट ए ब्यूटीफुल नंबर वी हैव अचीव टुगेदर, थैंक यू टू ऑल माय टीममेट्स, कोचेज, क्लब, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स माय फैन, यूनाइटेड वी कंटिन्यू। तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आ रही है रॉबर्ट कियोस्की की तरफ से। रॉबर्ट कियोस्की को आप जानते ही होंगे, रिच डैड पुअर डैड जिन्होंने बुक लिखी है। तो उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, लिखते हैं, वाई मिलियन टू बी वाइप्ड आउट, People can see micro economics, food and fuel prices rising, cannot see macro economics, macro econ invisible,
प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम मैक्रो बाय गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन सिल्वर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन अक्टूबर 2022 एवरी वन कैन अफोर्ड $20 सिल्वर बट आर ब्लाइंड। उनका कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ देखो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो आप गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन वगैरह में। तो आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी इन्हीं में ही इन्वेस्ट करें जो कि कम रिस्कफुल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले। थैंक यू।